सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो आपको बता दूं, बादशाह भाई और इक्का भाई का जो ट्रैक आने वाला था ट्रैप मुंडे, उसका म्यूजिकल वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके म्यूजिक वीडियो चेक कर सकते हो। और इक्का भाई इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे और लाइव आके बादशाह भाई के बारे में और एल्बम के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोग देख लो। बाकी बादशाह भाई को बहुत सारा प्यार यार, और जितना मैं थैंक यू बोलूं भाई को, मतलब क्या ही आग लगाई है भाई ने यार, क्या ही वर्ष, मतलब अमेजिंग। मतलब एल्बम में तो ऐसी ऐसी कहानियां है ना, ऐसी एल्बम बना दी है ना, मतलब बीटेबल भाई, अनटचेबल। अगर आप हिप हॉप से प्यार करते हो या फिर आपको कुछ नया सुनना है, तो ये एल्बम आप सबके लिए है कुछ नया। आई डोंट नो, बस बहुत बेकरार हूँ यार मैं इस एल्बम को ना रिलीज करने में, और बहुत जल्दी आने वाली है, तो लगता है इनिशियल एल्बम हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इनिशियल एल्बम पूरा कब तक आता है। तो कोई भी अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि अब तक ऐसा डेली हिप हॉप का अपडेट जाते रहे। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे किड शॉट भाई के बारे में। तो भाई का एक नया ट्रैक आया स्पॉटीफाई पर, जिसका नाम है यादों में, और इस ट्रैक का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे इंडियन डेंटिस्ट रैपर एकेबी के बारे में। तो भाई का एक नया ट्रैक आया है जिसका नाम है कलमकारिया बंटा। तो आप लोग पहले ट्रैक का थोड़ा सा पार्ट सुन लो। कलमकारिया बनता है, यहाँ रियल विनर सिर्फ जनता है, रियल हिप हॉप बनता है जब दिल से आग निकलता है। फ्लो मेरा सिर्फ चलता है बेटा, फ्लो तेरा नहीं चलता है, कोई एक नहीं कर पाए जो एक भी रोज करता है। तो ये जो ट्रैक है, ट्रैक का कॉन्सेप्ट मुझको बहुत अच्छा लगा और ट्रैक भी मुझको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जाके डेफिनेटली भाई का ट्रैक चेक करना, लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे कलमकार म्यूजिक के बारे में। तो आप लोग जानते हो न्यूज के हिसाब से कल डिस ट्रैक आने वाला है कृष्णा भाई का एमयू भाई के लिए। तो आज कलमकार के तरफ से एक पोस्ट आया है, जो कर्मा भाई का ट्रैक था पॉम्फ्रेट फ्राई, उस ट्रैक पे जो सबलिमिनल लाइन था उसका एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन पे लिखे थे इस सा नॉकआउट, और जिसके बाद एक पंचिंग ग्लव्स की इमोजी लगाए थे। और आपको बता दूं, इससे पहले भी कर्मा भाई का पॉम्फ्रेट फ्राई ट्रैक शेयर करे थे कलमकार, और आज फिर से उन्होंने शेयर करे हैं इस कैप्शन के साथ। तो मे भी हो सकता है कलमकार भी डिस का हिंट दे रहा है, और फुल डिस मोड में जाने वाला है शायद से कलमकार। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे कृष्णा भाई के बारे में। तो कृष्णा भाई स्टोरी लगाते हुए लिखे थे, आप लोग देख सकते हो, कल सुबह 11 बजे और फायर की इमोजी लगाए थे। तो कल हम लोगों को 11 बजे शायद से डिस ट्रैक देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में तो इतने ही, मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।